हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अभी आए हम खेत पे खाद लेके, ट्रैक्टर से आए भैया खाद लेके, और जो बोर रहती है तो उसके सामान लेके आए हम अभी यहाँ पे, क्योंकि अब गांव में पानी देना है, महीने के ऊपर हो चुके हैं दोस्तों, तो अब पानी देना है, तो इसीलिए हम भैया सब सामान सट्टे को लेके आए भैया अपने ट्रैक्टर में, जो कि खड़ा है इधर। तो वहाँ पे भी कुछ हमारा सामान बचा हुआ है वहाँ पे, तो वहाँ पे लेने चल रहे हैं अपन। और दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताया करो यार, बताते नहीं हो आप लोग, ऐसा ना किया करो भैया। क्या आपको देखो कितना प्यारा प्यारा सीन दिखा रहा हूँ मैं, क्या देख सकते हो आप ऐसे कभी, मतलब नहीं, अगर किसान के बेटे हो तो भैया पता ही होगा किसान लाइफ कैसी होती है, है? अगर कहीं सिटी वीटी से हो आप तो आपको आइडिया नहीं होगा कैसे रहते हैं भैया खेत वगैरह, कैसे क्या सिस्टम। तो ऐसा कुछ सिस्टम है, एक महीने के गेहूं में पानी लगता है, तो एक महीने के ऊपर के हो चुके हैं अपने गेहूं, तो अब हमें पानी लगना है। और भैया इधर से ये दोरा जो कि अपने खेत पे जा रहा है, इधर अपना खेत है वहाँ पे। और भैया ये आ गई नाली, ये इधर पाइप लग रहा, इधर सॉरी नहर, इधर है नहर भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये दोस्तों ये नहर है भैया, ऐसी कच्ची है, पक्की नहीं है यार, पता नहीं सरकार इसको पक्की क्यों नहीं कराती, और भैया इस पर सड़क भी नहीं बनवाती, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है यार, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि यहाँ से ना मतलब लोड ले जा नहीं सकते, मतलब अगर ट्रैक्टर ट्रॉली साथ में आ जाए ना तो यहाँ पे घूमने का भी स्पेस नहीं है, इसलिए ट्रैक्टर लेके आए। देखो इधर, यहाँ पे तो फिर बड़ी मुश्किल से हो जाता है, बट ट्रॉली में बहुत दिक्कत आती है, तो इसलिए लेके नहीं आते। और बरसात के टाइम में ना यहाँ पे ट्रैक्टर ही नहीं आ पाता, वही ले जाता है, शुरू के स्टार्टिंग में इतना बुरा कीचड़ होता है कि वहीं ट्रैक्टर के पहिए ना वहीं हवा में घूमने लग जाते हैं, तो इतनी बुरी कंडीशन हो जाती है, देख सकते हो आप कैसे कैसे खाचे हैं, ये देख सकते हो। और आर पार यह तो कुछ भी नहीं है, आ गया ना इधर रास्ते में, बहुत ज़्यादा बहुत डेंजर्स, क्या मतलब थोड़ी बोलने में तकलीफ हो जाती है, तो उसको थोड़ा इग्नोर मार दिया करो। देखो कितना प्यारा व्यूज आ रहा है दोस्तों, और अभी का मौसम भी थोड़ा सुहाना रखा है आपको, ये आया ना दोस्तों नज़र, तो कमेंट करके भैया ज़रूर बताना, ये देख सकते हो आप बदल हो रखे हैं अभी, तो शायद बरसात बरसात आएगी बोल तो रहे हैं, और मोबाइल भी बता रहा है भैया, यह देखो कितना अच्छा सीन हो रखा है ऊपर आसमान में, एकदम नीला नीला दोस्तों हैं, कितना प्यारा सीन है, देख सकते हो आप अपने ऊपर कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब ऊपर से करते हैं तो यार रिकॉर्ड नहीं हो पाता यार, आप समझ सकते हो, क्योंकि अपने कैमरा की वैसी क्वालिटी नहीं है, और धूप निकल आई है वापस से, सर्दी का टाइम है तो धूप जरूरी है, बट अभी गर्मी आ रही है, क्योंकि खाद के कट्टे भैया खंधे पे धर के लेके गए ना भैया, क्या ही बताऊं मैं भैया, एकदम से मतलब जैसे, तो भैया रुक जाओ एक सेकेंड, इसको हम रखते हैं यहाँ पे, और अपने पीछे का भी थोड़ा नज़ारा आप अच्छे से देख सकते हो भैया। तो अभी का कुछ ऐसा सीन है, क्योंकि पानी देने आए भैया, अभी खाद फेंक रहा है, लेके आए हम तो वो खाद फेंक रहा है अभी, और अभी लाइट दिन की है, बट अभी पानी नहीं देंगे क्योंकि बरसात आएगी, अगर ज़्यादा आ गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो इसी वजह से हम पानी को दो तीन दिन बाद स्टार्ट करेंगे, बट सामान स्टार्टर वगैरह सब कुछ लेके आए हैं हम यहाँ पर। तो अभी पापा और भाई लगा रहे हैं उनको, और मैं इधर यहाँ पर ये लाइट का वो पड़ा है, तो उसको लेने आया था मैं यहाँ पे, बट आपके लिए मैं एक वीडियो शूट करने लग गया, क्योंकि यार मतलब दिखाया नहीं इधर में, बहुत टाइम हो गया मेरे को आए हुए और इधर वीडियो भी शूट नहीं किया, तब हम गाँव में तो मैं मतलब है ना महीने जब गाँव रहते हैं ना खेत में, जिसके बाद गए सीधा आ जाया हूँ, देख लो दोस्तों जिसके बाद आ जाया हूँ, पापा ने पहले बोला भी था एक दो बार, एक दो दफ़ा, बट मैं आ ही नहीं पाया यार, पता नहीं क्यों काम में मतलब व्यस्त हो जाता, इसी वजह से मैं नहीं पाया दोस्तों। तो आज फाइनली
हम खेत पे आए भाई, आज स्कूल जाना था हमें, बट भाई भी नहीं था यहाँ पे, भाई भी अभी आया है, तो भाई बाहर गया था, बाहर गाँव, तो वो अभी आया है यहाँ पे गाँव में, तो अभी वो पापा के साथ आ गया था। तो भैया सुबह पापा ने मना कर दिया कि आज स्कूल नहीं जाएगा, आज ही छुट्टी है तेरी, आज काम कर घर पर। तो ऑब्वियसली भाई नहीं गया, और जाना था क्योंकि छुट्टी भी भैया आज ही ख़त्म हुई है क्या। और भैया मकर संक्रांति आ रही, तो आप सभी को दोस्तों मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से दोस्तों, और आप भी बोल सकते हो यार सेम टू यू क्या। तो दोस्तों ऐसा कुछ अभी का सीन है, आपको कैसा लग रहा है एक बार मैं चारों तरफ को दिखाता हूँ। ये अपना ट्रैक्टर है, फार्म ट्रक 45 फोर्ड भैया, ट्रैक्टर ट्रैक्टर ही भैया, देख सकते कितना प्यारा लग रहा है, एकदम नवा के भैया, एकदम नया बना रखा है, बिल्कुल ही कतई जहर वाला, देख सकते हो आप है कितना प्यारा लग रहा है अपना ट्रैक्टर फोर्ड। पीछे से भी दिखाता हूँ मैं आपको, पीछे से कुछ ऐसा लुक है भैया, इधर की लाइट भी ये देख सकते हो फूट रही है, और इस साइड की देखोगे ना आप साली लाइट ही नहीं है भैया। इस पे गिरा दिया था एक बंदे ने भैया, इतना बड़ा वार पत्थर, तो भैया लाइट चकना छूर हो गई थी इसकी। और इधर का भी दिखाता हूँ मैं आपको, इधर की सेपरेट है ये, और उधर की भी डैमेज हो रखी है। उधर एक बार ट्रैक्टर से एक एक्सीडेंट हो गया था, एक गाय भग के आ गई थी जो कि ट्रैक्टर से भड़क खा गई थी, बस गाय भी एकदम सेफ थी और पापा भी एकदम सेफ था, क्योंकि ट्रैक्टर कम स्पीड में चल रहा था, वो गाय अचानक से साइड से आ गई थी, तो इसी वजह से पापा ने ब्रेक लगा दी, फिर भी वो बरबट खा गई, बट वो एकदम ठीक थी, उसको कुछ लगा नहीं ज़्यादा, हल्का फुल्का हल्की फुल्की चोट लगी होगी उसको शायद, बट अच्छे से चल के वो निकल गई। तो ऐसा कुछ सीन हुआ था भैया जब लोड बेच के आ रहे थे पापा मंडी से, तो ये देख सकते हो कितना प्यारा सीन है भैया। और अब मेरे को भी जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे वेट कर रहे हैं फिर, और अभी भैया हम ट्रैक्टर लेके चलेंगे गांव में वापस, कि पापा बोल रहे हैं अब कि तू जा तेरा काम हो गया, तो ऑब्वियसली हम चलेंगे अभी वापस से। बट आपको अच्छे से यार दिखा दूँ ना यार, काफ़ी दिनों बाद आया हूँ यहाँ पे यार। दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है क्या नहीं, तो ये कमेंट करके यार मेरे को ज़रूर बताया करो यार, क्योंकि आप लोग बताते नहीं हो, तो यार मेरे को मोटिवेशनल नहीं मिल पाता है, तो इसीलिए समझा करो थोड़ा बात, फीलिंग मेरी भी समझा करो यार, है फीलिंग पे जाया करो ना यार थोड़ी, यहाँ से दिमाग से नहीं यार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो मेरी थोड़ी बहुत भी यार, तो कर दिया करो ना यार लाइक सब्सक्राइब, और आगे चल के ना भविष्य में ऐसे ऐसे ब्लॉग्स शूट करूँगा जो आप भी बोलोगे एकदम कहते हैं हटके, क्योंकि यार अभी ना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, अभी मेरी पढ़ाई भी चल रही है, तो इसी वजह से मतलब कुछ हो नहीं पा रहा जजमेंट अच्छे से, बट जब मैं स्कूल से निकल जाऊँगा और मेरा चैनल अगर मोनोटाइज हो जाएगा ना जल्दी, अगर अभी करवा देते हो आप तो आपके लिए एक सरप्राइज़ है, मैंने सोच के रखा है मेरा चैनल चलने के बाद एक महीने के बाद में इसे शानदार चील लाने वाला हूँ, कि आप भी यूँ बोलोगे क्या बात है क्या चील लेके आया, अब आप गेस्ट करो यार क्या लाने वाला हूँ मैं आपको थोड़ा, फिर यार अगर आपको थोड़ा क्लू दे दिया तो आप समझ ही जाओगे। चलो कोई ना बता ही देता हूँ मैं आपको, मैं लाऊँगा दोस्तों बाइक अपनी खुद की पर्सनल बाइक लाऊँगा, और उसके साथ भैया गोप्रो वगैरह भी लेके आएंगे, क्योंकि ट्रैवलिंग की वीडियो शूट करेंगे, ट्रैवल व्लॉग शूट करेंगे आप, क्योंकि अभी कर रहा हूँ मैं ये तो मतलब ऐसे कुछ ही है, करना पड़ेगा ना अभी तो, क्योंकि ट्रैवलिंग नहीं कर सकता अभी मैं, पैसे नहीं है, और भैया पापा से मेरे को लेना नहीं आता भैया पैसे, पापा मना भी नहीं करते, बट क्यों फालतू में यार, अब आप समझ सकते हो अगर फिर नहीं चला चैनल और ऐसे नहीं हुआ तो भैया यार जो बोलेंगे ना फिर उन्हों को ऑप्शन मिल जाएगा, अभी करने तो दे रहे हैं, कम से कम यूट्यूब पर वीडियो बना तो देने मतलब करने तो दे रहे हैं मेरे को, बट अगर पैसे वैसे ले लूँगा मैं और बाइक वाइक ले आऊँगा, बट फिर मेरा चैनल नहीं चला भैया जल्दी, मतलब चलेगा तो सही जल्दी या लेट चलना है चैनल को, तो आगे ना पीछे चलेगा ही सही, बट थोड़ा लेट हो गया तो भैया ताने सुन सुन के मैं परेशान हो जाऊँ, तो इस वजह से मैं ऐसी कोई लेना ही नहीं चाहता है बिल्कुल भी, अपने पैसों से लेके आएंगे भैया, कुछ भी लेके आए, भले से साइकिल लेके आए
खुद की हो ना उसकी बात अलग है। क्या दोस्तों जैसा कुछ सीन है, तो भैया कॉल आ रहा है, तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। निकले बाबा जैन, जय भारत। रुको यार, अभी मैंने आपको तो ये दिखाया नहीं भैया, ये लेके जा रहा हूँ भैया मैं खेत पे। तो भैया इसको उठाते हैं हम, कंधे पे रखते हैं वो, इसको लेके भैया खेत पे चलते हैं, वरना मैं तो वीडियो को ख़त्म करने लग गया था भैया, टाटा गुड बाय बोलने लग गया था आपसे। बट मेरे को ध्यान आया कि अभी तो आपने अच्छे से वीडियो शूट नहीं की है भैया, काफ़ी ज़्यादा वेट है इसके अंदर, और हमको लेके जाना भैया ये उधर। अरे भैया तेल निकल जाएगा वहाँ जाते जाते। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो भैया कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। तो ज़्यादा वेट हो गया, कोई ना दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, एंड टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।